नुहू की सिचुएशन के बारे में भी आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पर सिचुएशन अभी किस तरीके की है और किस तरीके के वहाँ पे मतलब कि प्रॉब्लम चल रही है। धारा 144 भी वहाँ पर लगी हुई है ना, और एग्ज़ाम को लेकर स्कूल वगैरह इंटरनेट सर्विसेज वगैरह सब कुछ अभी बंद हो रखा है। तो पेपर के लिए भी इसी तरीके का है कि वहाँ पर जो एग्ज़ाम होने थे वो अभी पोस्टपोन हो चुके हैं। पहले ये न्यूज़ थी कि 1 या 2 तारीख को जो एग्ज़ाम होने हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, बट अभी 5 अगस्त तक जो है वहाँ पर इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद रहने वाला है और मतलब कि एग्जाम भी जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। जिन भी बच्चों के पेपर जो है वो 5 अगस्त तक थे, 10th वालों के कंपार्टमेंट एग्जाम्स, वो अब आगे पोस्टपोन हो जाएंगे। अब कहने की बात ये आती है कि ये पेपर कब होंगे, जब आप लोगों के ये वाले एग्जाम खत्म होंगे, मतलब 5 के बाद सिचुएशन अगर नॉर्मल होती है तो जिन बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे फिर उसके बाद में दोबारा से डेट इशू करेगा HPSC बोर्ड, देन आप लोगों के एग्जाम होंगे। तो अभी आप लोगों के पेपर जो है वो नहीं होंगे। ओके, 5 तारीख तक के लिए अभी नोटिफिकेशन आया है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ गई है, उसके बाद वालों के पेपर होंगे। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, वहां की सिचुएशन के हिसाब से ही आप लोगों के एग्जाम की डेट आएगी। ओके, तो कौन कौन वहाँ से बिलोंग करता है, कौन कौन वहाँ के आसपास के एरिया से बिलोंग करता है, आपका पेपर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और प्रे करिए कि जल्दी से ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन प्रेस रखिएगा ऐसी अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।